जीतने वालों को मेरा सलाम। कॉनर मैकग्रेगर की कहानी का सारा खेल माइंडसेट का है। सिर्फ 4 साल में वे आयरलैंड की गरीब बस्ती से निकलकर यूएफसी के एक नहीं बल्कि 2 वेट डिविजन्स में टाइटल जीत गए। इससे पहले कोई फाइटर एक डिवीजन में नंबर 1 हो ये बड़ी बात थी, लेकिन मैकग्रेगर अलग ही स्तर पर खेल रहे थे। उनके बेबाक इंटरव्यूज देखिए, समझ में आना शुरू होता है कि एक चैंपियन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कैसे सोचता है। कॉनर कहते हैं कि मेरे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। ये विश्वास है कि आप अपनी कल्पना और सोच से कुछ भी पा सकते हो। आपको विश्वास होता है कि जो चीज आप पाना चाहते हो वो अभी आपके पास मौजूद है, जो आप बनना चाहते हो वो आप अभी पहले से ही हो। इसी विश्वास के कारण आप सारे जरूरी एक्शंस बेहिचक लेने लगते हो, जिससे वो विश्वास सच में बदल जाता है। बचपन में हम कभी बोर नहीं होते थे, जब चाहे तब अपने लिए नई दुनिया बना लेते, कंबल का पहाड़ और तकिए के किले बना लेते थे। हम सब अपनी कल्पना, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन से, सबकॉन्शियस माइंड से सीधे जुड़े थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो इसकी ताकत भुलवा दी गई कि तुम कहाँ खोए रहते हो, क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते। लेकिन ये कनेक्शन पूरी तरह टूटा नहीं है, आज भी हमारे अंदर जिंदा है। कॉनर कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो अपने आप को मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलता हुआ देखता था, जहाँ पूरा स्टेडियम भरा है और मेरे गोल करने पर जश्न मना रहा है। वे कहते हैं कि जब यूएफसी चैंपियनशिप जीता और पूरा एरिना शोर मचा रहा था, तो वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने दोबारा आ गया। जब कॉनर प्लम्बिंग का काम कर रहे थे तो उनकी बड़ी बहन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। कॉनर कहते हैं कि पहली बार में मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन मैंने इसे अपनाना शुरू कर दिया। कई दिनों तक इसके बारे में पढ़ता और सुनता रहता। फिर 1-1.5 साल में मैंने अपने अंदर और आसपास अंतर महसूस करना शुरू किए। उसके बाद कॉनर ने विजुलाइजेशन का खूब इस्तेमाल किया। वे कहते हैं कि जब मैंने आयरलैंड में मार्शल आर्ट्स में कदम रखा तो मैं अपने आप को यूएफसी में खेलते हुए देख सकता था। जब कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, तब मैं अपने आप को यूएफसी का चैंपियन देख रहा था। कॉनर ने सबको बताया कि होजे एल्डो को वे कैसे हराएंगे। होजे एल्डो जो पिछले 10 साल से अनडिफीटेड थे, वे पहले राउंड के 13वें सेकंड में बिल्कुल वैसे ही नॉकआउट हुए। कॉनर कहते हैं कि मुझे पंच कॉम्बिनेशन चलते हुए दिखते थे। वे कहते हैं कि अगर आप बोल सकते हो, करने का मादा रखते हो, तो सच होता है। ये इतना आसान है। कई बार लोग सपने देखते हैं लेकिन करने और कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप कहेंगे कि अगर ये बात सच है तो फिर खबीब और मेवेदर से वे फाइट्स क्यों हारे। अगर टेक्निकल कारणों को कोने में रख दें तो सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड है, वो सबके लिए काम करता है, अकेले कॉनर मैकग्रेगर के लिए नहीं। और 2 फाइट्स के कारण हम और आप कॉनर के माइंडसेट और उनके अनुभव को छुटला नहीं सकते। कॉनर कहते हैं कि अगर आप यूएफसी में खेलने का सपना देख रहे हैं तो चैंपियन बनने का सपना क्यों नहीं देखते। मतलब आपको अंदर ही अंदर कहीं लगता है कि आप चैंपियन नहीं बन सकते, इसलिए आप वहां तक का सपना नहीं देखते। ये छिपी हुई गलती हम सब लोग करते हैं। बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि अगर ये बड़े सपने सच होने लगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और इसी कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में सपने की जगह आपका डर बसा हुआ है। इसका बड़ा सिंपल सा टेस्ट है दोस्तों। अगर विजुलाइजेशन या अफर्मेशन के बाद भी आपका उत्साह जल्दी ठंडा हो जाता है, आप दिन में अपना उद्देश्य भूल जाते हो, तो अभी सबकॉन्शियस माइंड में लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? इसी बात से वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। केवल बोलना या अपने विजन के बारे में सोचना काफ़ी नहीं है, वो आपको इमोशंस में महसूस होने चाहिए। कॉनर कहते हैं आपको एक चैंपियन जैसे महसूस करना चाहिए। वी मस्ट एम्बॉडी द इमोशन ऑफ वॉट वी वॉन्ट एंड नॉट जस्ट विश इट। जैसा आप महसूस करते हो वैसा आप सोचने लगते हो। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। जब वो भावना और इमोशन आप महसूस करते हो तो वैसे ही एक्शन लेते हो। कॉनर की खास बात यह है कि
कि वे ये सब तब महसूस कर पाए जब वे स्ट्रगल कर रहे थे। वे कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी कार में, जिसे धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ता था, जिसका एसी अक्सर नहीं चलता था, ऐसे में अगर कोई ट्रैफिक में फंस जाए तो पसीने में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कॉनर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भी मैं अपना शानदार भविष्य देख सकता था। दोस्तों, आखिर आप कुछ तो महसूस करना चाहते हो, तो क्यों ना चैंपियन जैसे महसूस करें, उसी के जैसे सोचें और वैसी ही हरकत करें। इसके लिए आपको सचेत होकर अपना कॉन्शियस विचारों का पैटर्न बदलना होगा। जिनका सबसे सीधा तरीका है, जो हर कोई कर सकता है, वो है अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। अगली बात कॉनर कमाल की कहते हैं। वे कहते हैं कि आप जो चाहे कर सकते हो, लेकिन आपको वो इच्छा अपने अंदर रोकनी है। यू हैव टू होल्ड दैट डिज़ायर विद द सिंगलनेस ऑफ पर्पस। क्या होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टारगेट को अपना लेता है? मैकग्रेगर साहब के पास मोटिवेशन का खजाना है। वे कहते हैं कि ये आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, आपको नींद नहीं आती, आपको कुछ नहीं सूझता। मैं पूरे दिन ट्रेनिंग करता हूँ और रात में घर आकर शेडो बॉक्सिंग करता हूँ। अगर आप बाकी एथलीट्स की लाइफस्टाइल देखें तो कोई घर आकर वीडियो गेम खेल रहा है, कोई दोस्तों के साथ चिल कर रहा है। लेकिन अगर आप सच में अपने गोल को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हो, तो उसके अलावा आपको किसी और चीज़ में क्यों इंटरेस्ट आएगा? इसलिए आखिर में कॉर्नर कहते हैं कि यहाँ कोई टैलेंट नहीं है, यहाँ हार्डवर्क है, ये पागलपन है। मैं ये बात जानता हूँ कि सब लोग बराबर हैं, हम जो चाहे वो हो सकते हैं। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ। जब लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी है, जिसका सच होना तय है। दोस्तों, इस वीडियो से मैं अपने साथ दो बातें लेकर जाना चाहूँगा। कई लोगों को भ्रांति है कि केवल बोलने और सोचने से काम हो जाएगा। मेरे अनुभव में अफर्मेशन और विजुलाइजेशन करने से मेहनत स्मार्ट वर्क में बदल जाती है, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड आपका भटकना रोककर सीधे रास्ता खोजता है। और स्मार्ट वर्क भी मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि दिमाग और शरीर अब सीधे आपके गोल के लिए काम करते हैं, क्योंकि अंदर रुकावटें ख़त्म होती जा रही हैं। दूसरी बात, अपने गोल के साथ इमोशनली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप महसूस करें कि आपका गोल पूरा हो गया है, जिस कारण आप में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी भर गई है। अगर आप हमेशा ऐसा महसूस कर सको, अगर ये आपका नेचुरल स्टेट बन जाए, तो कॉन्फिडेंस के कारण आप कितनी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे और क्लैरिटी से आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी। इन पावरफुल इमोशंस को अपने अंदर बार बार महसूस कीजिए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और भी वीडियो हम देखेंगे, लेकिन आप इंतज़ार मत कीजिएगा, इस पर काम करना शुरू करिए। आप सबसे ज़्यादा अपने अनुभव और अपनी गलतियों से सीखेंगे। दोस्तों, अभी कोई और वीडियो मत देखिए, आपके समय से कुछ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।